विद्यार्थीओ आज आप धोरण छ विषय गणित चेप्टर नंबर पांच जी काल आप थीअरी समझेली थी आज आप स्वाध्याय 5.1 है ये समझिए एनो पहलो समझाई लीए तो एम कीधेलु कि मात्र निरीक्षण करी रेखाखंडों की सरखामणी करवामां क्यों गैरफायदो थाय छे। हवे आपणे घणी वार छे कोई वस्तु मानी लो के ए छे दोरवामां आवेली होय छे तो आपणे जोईने कहीए छे तेनुं लंबाईनुं अनुमान करवुं छे क्यारेक तो के खोटुं पड़े छे मीन्स के जोईने कहीए तो ए माप साचुं न पण होय शके देखावमां सरखुं होय छतां एना माप केवा होय छे अलग अलग बराबर। तो अहींया आपणे जवाब जोईए मात्र निरीक्षण करीने बे रेखाखंडोनी लंबाईनुं अनुमान करवुं केटलीक वार खोटुं पड़े। बाजूमां आपेली आकृति ए बी तमे जोई शको ए अने बी अने बीजुं छे सी अने डी रेखाखंडोमां बंने रेखाखंडोनी लंबाई सरखी लागे छे परंतु खरेखर बे रेखाखंडोनी लंबाई सरखी नथी। सी डी बराबर बे सीनी अने ज्यारे ए बी बराबर 2.5 एटले आमे 2.5 दोरेला छे आमे 2 सेमी दोरेला तो तमे जोशो तो तमने बे केवा देखाशे तो के सरखा परंतु बन्नेना माप केवा छे तो के अलग अलग। हवे आपणे त्रीजो सम जोईए कोई रेखाखंड दोरी तेने रेखाखंड ए बी कहो एटले एक रेखाखंड दोरी अने एनुं नाम आपवानुं छे ए अने बी। कोई बिंदु सी ने ए बी ए अने बी नी वच्चे तो तमे जोई शको के मैं एक रेखाखंड दोरेलो छे ए ने बी वच्चे शुं नाम आपवानुं छे सी पर दर्शावो जे दर्शावेलो छे। रेखाखंड ए बी रेखाखंड बी सी अने ए सी नी लंबाई मापो शुं ए बी बराबर एटले के ए अने बी बराबर ए सी एटले के आ ए अने सी प्लस सी बी अथवा तो बी सी छे आपणे एवो क्वेश्चन करेलो छे। नोंध आपेली छे कि ए बी अने सी रेखा परना एवा बिंदुओ होय के जेथी ए सी प्लस सी बी थाय तो चोक्कस कही शकाय के सी बिंदु ए ए अने बी नी वच्चे हशे एवी नोंध आपेली छे एटले चोक्कस अंतरे छे एवुं कीधेलुं छे तो अंतर आपेल नथी तो मैं धारणा करेली छे ए ने बी छे मैं 5 सेमीना दोरेला छे ए बी पर एक बिंदु क्यों लीधुं छे तो के सी। હવે રેખાખંડ એ બી અને એ સી અને આપણે તો કે સી બી ના માપ માપીએ એટલે મેં અહીં લખેલા છે માપ એ બી મેં કેટલું લીધું આખે આખું 5 દોર્યું છે પછી એ સી મેં લીધા છે 3 સેમી જે અહીં મેં લખેલા છે અને મેં સી બી કેટલા લીધેલા છે 2 સેમી તો હવે તમે જોઈ શકો આપણે શું કીધું તો કે એ બી બરાબર ટોટલ કેટલું થશે તો કે 5 તો કઈ રીતે તો કે એ સી કેટલા છે 3 એટલે એ સી 3 प्लस सी बी केटला छे तो के बे तो त्रण वत्ता बे एटले केटला थशे 5 तो आपणे ए बी छे एटले के अहींयाथी अहींया सुधी पहोंचवुं होय तो टोटल केटलुं थाय तो के ए बी बराबर 5 सेमी थाय एटले के तेथी ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी थाय छे। आथी कही शकीए के बिंदु सी एटले के आ वच्चेनुं बिंदु ए बी रेखाखंड ए बी ऊपर आवेलुं बिंदु छे जेथी ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी थाय छे बराबर। हवे श्याम नंबर 2 छे ए जोईए रेखाखंडनी लंबाई मापवा माटे मापपट्टी करता विभाजक शा माटे वधु उपयोगी छे। હવે આપણે જે કંપાસના વિવિધ સાધનો હોય છે જેમ કે પરિકર હોય છે કોણ માપક હોય છે દ્વિભાજક બરાબર હોય છે આ બધા સાધનો આપણે તો કે કંપાસ બોક્સમાં હોય છે તો જે અહીંયા તમને કીધેલું છે જવાબ જોઈએ માપપટ્ટી વડે રેખાખંડની લંબાઈ માપતા કેટલીક વાર પૂરેપૂરું સાચું માપ મેળવી શકાતું નથી એટલે સ્કેલથી માપ માપીએ છીએ તો ઘણીવાર સાચું ન હોઈ શકે। માપપટ્ટી પરના આકારની એટલે માપ સ્કેલના જે આકાર હોય પ્રમાણભૂતતા માપપટ્ટીની જાડાઈ એટલે કે એ કેટલી જાડી છે આપણા માપનની રીતની ક્ષતિ ઘણીવાર આપણે માપતા હોઈએ મેથડ કેવી હોય ખોટી કારણભૂત બને છે। આમ રેખાખંડનું સાચું માપન કરવા દ્વિભાજકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। આ કંપાસ બેટીના સાધન હોય એમાં જો વી આકારનું હોય છે બે બાજુ અણીવાળું હોય છે બરાબર એ દ્વિભાજક છે દ્વિભાજક વડે રેખાખંડનું ચોક્કસ માપન મળે દ્વિભાજકના પાખ્યા અણી
पाख्या में अणी होय छे एटले बे बाजू आपणे केम छे तो के जे आपणो शुं कहेवाय परिकर होय छे एमां केम बे बाजू लखनणी अणी होय एम द्विभाजकमां पण होय छे तेने जेने लीधे मापपट्टी उपर मूकवामां अने रेखाखंडना अंत्य बिंदु एटले छेलू अने पेलू बिंदु मूकवामां चोकसाई जळवाय छे एटले के माप हली जातुं नथी बराबर। हवे आपणे चोथो समूह जोईए रेखा पर त्रण बिंदुओ ए बी अने सी छे जो ए बी बराबर 5 सेमी बी सी बराबर 3 सेमी अने ए सी बराबर 8 सेमी होय तो क्यू बिंदु बाकीना बेनी वच्चे हशे तो आपने कीधेलू कीधेलू छे के ए बी केटला होय तो के 5 एटले अहींया मे अहींया छे अहींयाथी अहींया सुधीनुं 5 माप थशे अहीं डोटथी बतावेलू छे। बी ने सी केटला छे 3 सेमी तो ए ने सी टोटल केटला थाय 8 अगाउनो सम जोयो ए मुजब तो तमे जोई सको के 8 लामाथी वच्चे क्यू बिंदु देखाय छे तो के बी एटले के ए अने सी नी वच्चे क्यू बिंदु आवेलू छे तो के बी। हवे आपणे पांचमो सम जोईए चकासो के डी बिंदु ए रेखा खंड ए जी नू मध्य बिंदु छे एटले के ए अने जी नू आ डी छे ई मध्य बिंदु छे कई रीते तो के तमने समझाऊं अहींया छे 1 2 3 4 5 6 7 तो तमे आ बाजू थी गणो आगळ थी के पाछळ थी गणो डी हमेशा क्यां आवशे तो के वच्चे 1 2 3 4 बराबर डी ना नंबर 4 1 2 3 4 तो डी हमेशा क्यां आवे छे तो के वच्चे। हवे आपणे आगळ जोईए तो के रेखाखंड एजी नुं मध्य बिंदु आपणे कीधुं छे डी छे तो हवे आपणे जोईए के ए थी डी सुधी पहोंचवा माटे कई रीते जवुं पड़े तो के ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी तो अहींया जो एक में एक नाखो तो बे एमां एक नाखो तो त्रण एमां एक नाखो तो चार तो बधा वच्चे केटलो तफावत छे केटला उमेरेला छे एक एक एटले ए बी नी किंमत 1 बी सी नी पण 1 सी डी नी पण 1 तो त्रणेयनो सरवाळो केटला थाय 3 एकम पछी तो के अहींया आपणे कीधेलुं छे के डी अने जी हवे अहींयाथी अहींया सुधी આપણે બીજી છે એ આપણે કેટલા થશે તો કે બીજી સુધી પહોંચવા માટે ડી ઈ પ્લસ ઈ એફ પ્લસ એફ જી એમાં પણ એક એક છે આગળ વધ્યા એટલે 1 + 1 + 1 = 3 તો તમે જો એ ડી એનું પણ 3 એકમ અને ડીજી નું પણ 3 એકમ તો એ ડી અને ડીજી એ બેના તંતન એકમ છે તો બંને કેવા થાય સરખા તો બંને સરખા થાય તો બેમાં જે સબ બેમાં જે એબીસીડી નો અક્ષર આવતો હોય એનું ક્યું થાય મધ્ય બિંદુ બરાબર। હવે આપણે આગળ જોઈએ તેમાં ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે બી એ એસી નું મધ્ય બિંદુ છે જેમ આપણે કીધેલું હતું એમ મુજબ અને સી એ બીસી નું મધ્ય બિંદુ છે એ બી સી અને ડી એક જ રેખા ઉપર છે તો એ બી બરાબર બી સી સા માટે કહી શકાય કારણ કે એનું મધ્ય બિંદુ છે એટલે બંને કેવા થાય સરખા બરાબર। પણ પહેલા આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણે એક રેખા દોરેલી છે એ બી સી અને ડી તો તમે જોઈ શકો એ અને સી એની વચ્ચે કયું બિંદુ દેખાય છે તો કે બી અને બી અને ડી એની વચ્ચે કયું બિંદુ દેખાય છે તમે જોઈ શકો છો સી બરાબર। તો બી એ સી નું શું થાય મધ્ય બિંદુ એટલે કે તમારે એ સી એ અને સી નું માપ જોતું હોય તો તમારે શું કરવું પડે એ બી અને અહીંયાથી ક્યાં સુધી જવું પડે તો કે બી સી બરાબર। તો એ બી નું જેટલું છે એટલું જ કેનું થાય તો કે બી સી થાય। પછી આપણે કીધેલું છે કે સી એ બી ડી નું મધ્ય બિંદુ છે જે મેં તમને બતાવેલું છે બરાબર। તો બી અને સી બરાબર ક્યાં સુધી જઈ શકીએ આપણે સી અને ડી બરાબર આટલે થી આટલું પર ટોટલ બી સી જોતું હોય તો બી થી ક્યાં સુધી જવું પડે ડી સુધી તો બી સી બરાબર શું થાય સી ડી કારણ કે માપ કેવા છે બંનેના સરખા તો ઈ સમી આપણે ઈ છે સમીકરણ નંબર કયું મળે 2 ને ઉપરનું કયું મળશે 1 હવે તમે બે માં જોઈ શકો છો તો અહીંયા તમને એ બી અને સી ડી ઈ આપણે કેવા કીધું છે સરખા શા માટે સરખા થાય છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે અહીંયા એ એ બી બરાબર બી સી તો બે માં કયો શબ્દ કોમન આવે છે બી એટલે બી વચ્ચે થાય એ જ રીતે રેખાખંડ બી સી બરાબર સી ડી એમાં કયો શબ્દ વચ્ચે આવે છે સી એટલે બે માંથી કોમન હોય શું કરી નાખવાનું અલગ કાઢવાનું તો અહીંયા શું વધે બરાબર તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે એ ને બી એનું જેટલું માપ હશે એટલું જ માપ કેનું હોય સી ને ડી નું કારણ કે બી ને સી પણ કેવા છે તો કે સરખા બરાબર અને અહીંયા એ બી અને એ બી સી અને ડી
आ बधाने समरेख आ जे डेश नी निशानी होय एने शुं कहेवाय तो के समरेख समरेख एटले के एक ज रेखामां आवेला बिंदु ओ एटले बधानुं माप केवुं थाय सरखुं माप सरखुं थाय तो वच्चेनुं छे ई शुं थाय तो के मध्य बिंदु। हवे आपणे सातमो सम जोईए। हवे आपणे एनी जे रकम छे ए समजी लईए। पांच त्रिकोण दोरी तेमनी बाजुओ मापो एटले केटला त्रिकोण दोरवाना छे तो के पांच। दरेक स्थिति में चकासो के कोई पण बे बाजुना मापनो सरवाळो हमेशा तेनी त्रीजी बाजुना माप करता वधु ज होय। एटले कई रीते तो के कोई पण बे बाजुना मापनो सरवाळो तमे करशो तो ये त्रीजी बाजुना माप करता केवो हशे तो के वधु। कई रीते खबर पड़े तो के मैं एक त्रिकोण दोरेलो छे। माप केटला लेवा ई कई नक्की नथी पण अहींया मैं लीधेलू छे। आपणे कयो त्रिकोण दोर्यो ए बी ने सी तो अहींया मैं धारेलू छे ए बी नुं माप केटलुं लीधुं त्रण बी सी नुं बे अने ए सी नुं चार। हवे शुं करवानी कोई पण बे बाजु एटले आपणे लाइन टू लाइन लईए ए बी अने बी सी एटले एक बाजु ने केटली बाजु थई बे। ए बी एटले केटला छे त्रण बी सी ई केटला छे तो के अहींयाथी बे। ई बेनो सरवाळो केटलो थशे तो के पांच एटले आ बे छे एनो सरवाळो पांच थाय। तो एमां कीधुं के आ जे त्रीजी बाजु छे एनुं माप छे एना करता वधु छे तो के हा आ तमे जो पांच छे चार थी केवा थाय तो के मोटा एटले आ बेनो सरवाळो करो तो आना करता वधु आवे छे तो के हा फाइव ग्रेटर धेन फोर बराबर। एना पछी हवे आपणे शुं करशुं तो के ए बी अने बी सी लीधा था हवे ए बी ने काढी नाखीए बी सी अने ए सी नुं माप करीए। बी सी प्लस ए सी तो ई ए ने बी छे एना करता वधु थाय छे तो के हा तो बी सी नुं माप केटलुं छे बे ए सी नुं माप चार ग्रेटर देन ए बी बराबर। तो बे मां चार नाखो तो केटला थाय छ तो तमारा आपणे जे सरवाळो छ कर्यो ई त्रण करता मोटो छे तो के हा एटले के त्रीजी बाजु करता बे बाजुनुं माप केवुं थाय सरवाळानुं तो के वधु। हवे आपणे तो के केनुं माप करशुं पेला ए ने बी लीधुं बराबर पछी बी ने सी लीधुं तो हवे सी ने हुं लई लेशुं ए एटले के ए सी प्लस कई बाजु रही ए ने बी तो ए सी एटले केटला देखाय चार ए बी एटले त्रण तो हवे ई बी सी करता केवा थशे सरवाळो मोटो चार मां त्रण नाखो तो केटला थाय सात। तो तमे जो के बी सी करता बी सी नुं माप सात सॉरी बे छे तो सात छे ई बे करता मोटा छे तो के हा एटले के बे बाजुना मापनो सरवाळो त्रीजी बाजुना माप करता हमेशा वधु थाय छे बराबर। हवे आपणे बीजो एक त्रिकोण लईए। अहींया मैं पी क्यू ने आर बराबर ए त्रिकोण लीधुं छे। पी क्यू नुं माप केटलुं छे चार पॉइंट पांच क्यू आर नुं पांच पॉइंट पांच अने पी आर नुं माप छे छ। तो आपणे जेम सरखाव्युं हतुं एम ज सरखावानुं छे। तो पहेला आपणे जोईए पी क्यू तेनुं केटलुं छे चार पॉइंट पांच क्यू आर तेनुं छे पांच पॉइंट पांच। ई बेनो शुं करवानो सरवाळो केटलो थशे तो के दस। तो ई केना करता वधु होवो जोईए पी आर तो छ करता दस मोटा कहेवाय तो के हा एटले दस ग्रेटर देन छ बराबर एटले त्रीजी बाजुना माप करता केवो छे तो के वधु। पछी हवे आपणे पी क्यू छे एने मूकी दईए एना सिवायनी बाजु लईए तो के क्यू आर केटला छे पांच पॉइंट पांच पछी क्यो सरवाळो लसुं पी आर अथवा तो आर पी ई केटला छे छ। तो पांच पॉइंट पांच में छ उमेरीए तो अगियार पॉइंट पांच तो ई पी ने क्यू छे एना करता मोटा छे तो के हा चार पॉइंट पांच करता मोटा छे। अने हवे छेली बाजु लई लईए पी आर केटली छे छ पी क्यू केटली छे चार पॉइंट पांच तो बे नो सरवाळो करीए तो केटलो थाय दस। तो त्रीजी बाजु क्यू छे क्यू आर तो ई पांच पॉइंट पांच करता मोटो छे तो के हा तो दस पॉइंट पांच छे ई तो के पांच पॉइंट पांच करता केवा थशे तो के मोटा। हवे अहीं आपणे तो के पांच त्रिकोण दोरवाना कीधेला छे मैं अहीं तमने बे त्रिकोण करावेला छे बाकीना त्रण त्रिकोण छे ई तमारे जाते होमवर्कमां करवाना रहेशे। अने हवे पछीनुं स्वाध्याय नेक्स्ट विडियोमां जोईशुं।